दोस्तों, अगर आपके पास एक डॉग है तो आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि जब आप परेशान होते हैं तो आपका कुत्ता भी परेशान हो जाता है और वो आपको चीयर अप करने के लिए अजीबोगरीब हरकत करता है। ये बेजुबान जानवर हमारे इमोशंस को अच्छी तरह समझता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ते गड्ढा क्यों खोदते हैं या फिर ये रात में क्यों रोते हैं? ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता है। तो आइए जानते हैं डॉग के इन कॉमन बिहेवियर के पीछे छिपे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। नंबर वन, कुत्ते रात में क्यों भौंकते हैं? दोस्तों, अगर आपके पास भी एक पालतू कुत्ता है या फिर आपने गली के कुत्तों को रात में रोते या भौंकते हुए तो जरूर देखा होगा। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये बुरी बलाओं को देखकर रोते या भौंकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण कुछ और ही है। दरअसल कुत्ते भेड़ियों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस तरह भेड़िया रात में हाउलिंग करके ये बताता है कि उसके आसपास सब कुछ ठीक है, बिल्कुल उसी तरह कुत्ते भी रात में भौंकते या रोते हैं। दूसरे डॉग इनकी वॉइस से ये पता लगा लेते हैं कि उनका साथी किसी मुसीबत में है या फिर सही सलामत है। ये उनके आसपास सब कुछ ठीक होने का एक संकेत है। अगली बार अगर आपको रात में कुत्ता भौंकते या रोते हुए दिखाई दे तो इसे अपशगुन या भूत प्रेत से जोड़कर मत समझना। नंबर दो, कुत्ते गड्ढा क्यों करते हैं? फैमिली डॉग हो या स्ट्रीट का आवारा कुत्ता, इन्हें खोदने की आदत तो होती ही है। कई बार कुत्ते अपने किसी पसंदीदा सामान जैसे हड्डी या खिलौनों को छिपाने के लिए भी जमीन में गड्ढा खोदते हैं, और कई बार ये मिट्टी की नमी में सोने के लिए भी खुदाई करते हैं। इनकी इस हरकत को देखकर आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपका कुत्ता मेंटली बीमार हो गया है, लेकिन अगर कोई कुत्ता ज्यादा ही खुदाई करता हो तो समझ लीजिएगा कि वो टेरियर एंड डैशंट ब्रीड से बिलोंग करता है, क्योंकि ये कुत्ते बने ही खुदाई करने के लिए होते हैं और आप चाहकर भी इन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते। नंबर तीन, व्हाई डॉग्स ईट पूप। आपने कई बार कुत्तों को अपने ही पूप में मुंह डालते हुए देखा होगा। हम में से ज्यादा लोग सोचते हैं कि ऐसा कुत्ते भूख लगने पर करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल गली के आवारा कुत्तों को ऐसा करने की आदत होती है। कुत्ते ऐसा कई कारणों से करते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन रीजन तो ये है कि कुत्तों को पता ही नहीं होता कि वेस्ट कोई गंदी चीज है। इसके अलावा फीमेल डॉग्स अपने बच्चों के वेस्ट को खाती हैं। वो ऐसा उस जगह को साफ रखने के लिए करती हैं। लेकिन अगर आपका फैमिली डॉग ऐसा करता है तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि वो किसी बीमारी से गुजर रहा है और आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नंबर चार, हेड प्रेसिंग। कई बार आपने कुत्तों को दीवार के सहारे या फिर किसी और चीज के सहारे अपने सर को दबाते हुए देखा होगा। अगर आप अपने डॉग के इस बिहेवियर को एंजॉयमेंट या फिर खेल समझकर इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि कुत्तों का सर को प्रेस करना एक खतरनाक बीमारी का संकेत हो सकता है। ज्यादातर केस में कुत्ते ऐसा तब करते हैं जब उन्हें ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी होती है। इसलिए अगर आपका डॉग भी दीवार से सर को प्रेस करता हुआ नजर आए तो आपको उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस मेडिकल इशू भी हो सकता है। नंबर पांच, व्हाई डॉग पी ऑन टायर। आपने कुत्तों को गाड़ी या बाइक के टायर्स पर पेशाब करते हुए जरूर देखा होगा। उन्हें भगाने या डांटने के बाद भी वो ऐसा करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डॉग जिस जगह पर रहते हैं उसे अपनी टेरिटरी मानते हैं। फिर गाड़ी चाहे उसके मालिक की ही क्यों ना हो, वो उसके टायर पर भी पेशाब कर सकते हैं। कुत्ते ऐसा केवल गाड़ी या बाइक के टायर के साथ ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे उसे अपना मानते हैं और ये उनका एक हक जमाने का तरीका है। इस तरह से वे दूसरे कुत्तों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये उनका इलाका है। नंबर छह, वाइट डॉग्स लिक। कुत्ते चाटते क्यों हैं? अगर आप किसी कुत्ते को घर पर ले आते हैं तो उसका सबसे कॉमन बिहेवियर यही होने वाला है कि वो जब भी आपसे मिलेगा, आपको खुश देखेगा तो वो आपको चाटना शुरू कर देगा। कुत्तों के ऐसा करने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे अफेक्शन, अटेंशन, लव एंड केयर। इसके अलावा भी कुत्तों का इंसानों को लिक करने के दूसरे कारण भी हैं। साइंटिस्ट की माने तो कुत्ते ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों के नमकीन पसीने का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए भी वे हमें बार बार चाटने की कोशिश करते हैं। हाँ, कई बार कुत्ते प्यार में भी ऐसा करते हैं, लेकिन हर बार यही रीजन नहीं होता। कई बार कुत्ते इसके जरिए उस चीज को भी जानने की कोशिश करते हैं कि उसके मालिक ने क्या खाया है। नंबर सात, यौन। कुत्ते भी इंसानों की तरह जबाई लेते हैं। जबाई लेना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई स्ट्रेंज बिहेवियर। इंसान ज्यादातर जबाई तब लेते हैं जब हमें नींद आती है या फिर हम थके हुए होते हैं। इसलिए जब हमारा डॉगी ऐसा करता है तो हमें लगता है कि वो थक गया है और अब आराम करना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुत्ते के जबाई लेने का कारण कुछ और ही है। वैज्ञानिकों की माने तो कुत्ता ऐसा तब करता है जब वो किसी नई जगह पर जाता है और वो वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करता है, या फिर कुत्ते अगर स्ट्रेस में होते हैं तब भी वे जबाई लेते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है
कि जभाई दो डॉग्स के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम भी बनता है। जभाई के जरिए एक डॉग दूसरे कुत्ते से ये बताता है कि वो उससे लड़ाई या किसी भी तरह की छेड़खानी में इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप अभी तक अपने कुत्ते के बारे में नहीं जानते थे। खैर, आपकी प्रॉब्लम्स तो अब सॉल्व हो चुकी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप डॉग के इन कॉमन बिहेवियर के पीछे की वजह जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।